हेलो फ्रेंड्स, जॉब्स एंड क्वेश्चन पेपर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आप लोगों को तुरंत मिल जाए। आज मैं आप लोगों के लिए NIT जमशेदपुर के क्वेश्चन पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है NIT जमशेदपुर नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, स्ट्रीम है मैकेनिकल। ये जो एग्ज़ाम का यहाँ पे डेट मेंशन कर रखा है 22 अप्रैल 2022, ये एग्ज़ाम टोटल 2 घंटे का हुआ था और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1 था। टोटल इसमें है 100 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आज मैं आपको 1 से लेकर 33 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। उसी तरह इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, तो जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देख लेना। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम इज़, तो इसका आंसर सी होगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीनों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेट ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू, तो इसका आंसर बी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी इज, तो इसका आंसर सी है, रिमेन सेम ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनेमिक फ्रिक्शन व्हेन कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी, तो इसका आंसर ये है, लेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू इट्स एंटायर लेंथ विल टेक ए शेप ऑन बेंडिंग एज, तो इसका आंसर बी होगा, पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट हेल्प टू रेजिस्ट फ्रैक्चर एट इम्पैक्ट लोड इज, तो इसका आंसर डी होगा, टफनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, शियर स्ट्रेस थियोरी कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग, तो इसका आंसर ए होगा, डक्टाइल मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ टू पैरेलल स्प्रिंग हैविंग स्टिफनेस के इज, तो इसका आंसर सी होगा, 2K। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाइड्रोजन बियरिंग फॉलोइंग इज एप्लीकेबल व्हेन इट इज इन ऑपरेशन, तो इसका आंसर बी है, व्हाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ फ्लूइड फिल्म प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर एन ओपन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल, तो इसका आंसर डी होगा, बोथ मास एंड एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज विच इंक्लूड डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर इन थर्मोडाइनेमिक कोऑर्डिनेट सिस्टम आर, तो इसका आंसर होगा, पॉइंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन, तो इसका आंसर ये होगा, रैंकाइन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर सेम हीट एडेड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो, तो इसका आंसर सी है, ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट देन डीजल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैम एंड फॉलोअर कॉन्टैक्ट फॉर विच टाइप ऑफ पेयर, तो इसका आंसर बी होगा, हायर पेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडर वाट कंडीशन काइनेटिक चेन इज टर्म्ड एज मैकेनिज्म, तो इसका आंसर बी होगा, वन लिंक इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर ए मैकेनिज्म विथ 4 लिंक द पॉसिबल इन्वर्जन आर, तो इसका आंसर डी होगा, 4। क्वेश्चन नंबर 18 है,
गांट चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इसका आंसर सी होगा प्रोडक्शन शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड टू फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन, तो इसका आंसर ए होगा बिलो 723। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाई इज मैग्नीज एडेड इन लो कार्बन स्टील, तो इसका आंसर बी होगा टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टू इनहिबिट बेंडिंग क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है बाई एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द स्टील बिकम कोरोजन रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर क्रोमियम एंड निकिल। क्वेश्चन नंबर 22 है एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में इम्प्रूव द मशीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, तो इसका आंसर सी होगा सल्फर फॉस्फोरस लीड। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज मीन्ड बाई ए वेट सम्प इंजन, तो इसका आंसर डी है वन दैट कैरीज इट्स वाइल सप्लाई इन इंजन इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 24 है कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन, तो इसका आंसर बी होगा सिलेंडर वॉल्यूम विथ पिस्टन एट बॉटम डेड सेंटर एंड एट टॉप डेड सेंटर। क्वेश्चन नंबर 25 है द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग इज टू, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव में क्या क्या ऑप्शन है वो आप लोग खुद पढ़ लेंगे, ऑप्शन ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्लूड इज अ सब्सटेंस दैट, तो इसका आंसर सी होगा कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्लूड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, तो इसका आंसर है डी इनविशियस एंड इनकम्प्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 28 है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर, बी आंसर है इसमें। फ्रेंड एक क्वेश्चन जो है चार नंबर का, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता तो एक नंबर डिडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन, तो इसका आंसर डी है पाइटोट ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द राइज इन टेम्परेचर, तो इसका आंसर बी होगा डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 31 है लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ ए वेंचुरी मीटर इन कंपेरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्सन इज, तो इसका आंसर बी होगा मोर। क्वेश्चन नंबर 32 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, तो इसका आंसर होगा 80। क्वेश्चन नंबर 33 रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज, तो इसका आंसर होगा डी 1.41। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, तो इसका आंसर बी है हीट। क्वेश्चन नंबर 35 है ऑन वेट बेसिस एयर कॉन्टेंट फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका आंसर होगा बी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।